राजस्थान में आज कोरोना पॉजिटिव के रूप में 15 नए केसेस सामने आए हैं, उसमें से 13 तो रामगंज क्षेत्र से संबंधित ही केसेस सामने आए हैं और एक जिनको हमने ईरान से एयरलिफ्ट करके आर्मी एरिया में जोधपुर रखा क्वारंटाइन में, एक महिला 61 साल की वो पॉजिटिव आई है और एक पुरुष है 65 साल के, वो एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर में भर्ती थे। इसको मिला के कुल 15 पॉजिटिव आ जाए और राज्य में कुल स्थिति हुई 108 पॉजिटिव केसेस की। इसमें से राहत भरी खबर यह है कि हम 19 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव कर पाए, उसमें से 15 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। भीलवाड़ा जहां अकेले 26 पॉजिटिव केसेस आए थे, उनमें से पॉजिटिव से नेगेटिव में 13 लोग कन्वर्ट हुए हैं और बाकी 6 लोग जो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हुए हैं वो अलग अलग जगह के हैं। राजस्थान में ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं या इनके संपर्क के लोग हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ लोगों को चिन्हित किया है जो 13 जिलों में जिनके होने की सूचना मिली है। जिले हैं जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, दौसा, अलवर, टोंक, श्रीगंगानगर, भरतपुर, करौली, जोधपुर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये 13 जिले हैं जहाँ पर ये करीब 538 लोग या तो उनके संपर्क में आए हैं या वो लोग वहाँ भाग लेके आए हैं। उसमें 5 विदेशी हैं, 350 दूसरे राज्यों के हैं और करीब 183 राजस्थान के अलग अलग जिलों के हैं। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, सारे जिला कलेक्टर्स को इन्फॉर्मेशन दी गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीमें इनको ट्रेस करके इनका स्क्रीनिंग करेंगे और इनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। राज्य में जो क्वारंटाइन फैसिलिटी के बेड चिन्हित करने के लिए 1 लाख हमारा लक्ष्य था, उसमें से हमने 97,000 क्वारंटाइन के बेड अब तक चिन्हित कर लिए हैं और जो आइसोलेशन के बेड हैं वो 18,182 वो हमने चिन्हित कर लिए हैं, वो तैयार हैं। और इसके अलावा जो संसाधन है हमारे पास वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में है। 260 वेंटिलेटर्स का परचेज का ऑर्डर दिया जा चुका है और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। उसके अलावा 10,020 पीपीई किट हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध है। 69,439 N95 मास्क हमारे पास उपलब्ध हैं। बफर स्टॉक में 3,031 पीपीई किट और 36,764 N95 मास्क हमारे पास उपलब्ध है। जो हमारी टीमें करीब 27,000 लोग हैं, टीमें हैं 27,000, वो जो घर घर एक्टिव सर्विलेंस का काम कर रही है, स्क्रीनिंग का काम कर रही है, उन्होंने अब तक 92,09,686 घरों का सर्वे किया है और राज्य की आबादी का 3,86,23,000 लोगों का स्क्रीनिंग का काम वो पूरा कर चुके हैं। ये निरंतर जारी है। जैसा हमारा लक्ष्य है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को हम स्क्रीनिंग के दायरे में लाएं ताकि जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनके सैंपल्स लिए जा सकें और उनकी जांच हो जाए ताकि इसका कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा रोका जा सके।